नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बच्चा चोर गिरोह हुआ सकिर। बच्चों को पकड़ कर ले जा रहे एक आरोपी को भीड़ ने पकड़ कर जमकर पीटा और पुलिस के सुपुर्द किया। पूरा मामला थाना लाइन पर फिरोजाबाद का है, जहां पर शनिवार सुबह दो आरोपी अलग अलग बच्चों को पकड़ कर ले जा रहे थे। तभी उनमें से भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम सूरज बताया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि ये गिरोह बच्चों को पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी भीड़ ने इसे पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। हालांकि बच्चों को उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया है और पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। खानदान के चूल्हा चूत मरा यारी गाड़ी चला रहा था। गाड़ी बना उसकी वीडियो बना वीडियो बना वीडियो अरे अरे किसको लेके बच्चे टांग ले जा रहे हैं यहाँ से। अरे हाँ क्या नाम है आपका? थाने में आए हुए, क्या मामला हुआ है? ये मामला ये राशिद खान नाम है मेरा, बेस्ट फ्लैट नाला पार। ये बच्चा चोर की गैंग है, दो लोग बता रहा है ये, एक सूरज नाम बता रहा है और एक नाम और इसने बताया। तो ये बच्चे को ले करके भाग रहा था, गली के अंदर सन्नाटा था, कोई था नहीं। उस दरमियान मैंने इसको देखा तो बराबर की एक लेडीज आई, उन्हें इसने उन्हें छोड़ के भागने लगा। फिर पीछे पीछे इधर गया, नाले के सहारे इसको पकड़ा गया। फिर एस ओ साहब को जो है फ़ोन करके मौके वारदात पर पहुँच गए थे। एस ओ साहब, पब्लिक बहुत इकट्ठी हो गई थी, तो ये पागलपन की एक्टिंग भी करने लगा, इधर गिर गया उधर गिर गया, इस तरीके की हरकत में बहुत करने लगा। और एक बच्ची के जो गले पे इसने छुरी रख दी थी, वो ये रही बच्ची। कितने लोग थे? ये दो बता रहे हैं। कहाँ से पकड़े गए ये दो? ये बेस्ट क्लास नाला पर। अभी कितने लोग पकड़े गए? अभी तो एक इसके साथ ही होगा, वो भाग गया था। अच्छा, दो लोग थे ये? दो लोग। तो पुलिस में आपने थाने में ला के दे दिया? यहाँ पर कोई एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया है? अभी एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिए, ऐसा साहब आया तो उनको एप्लीकेशन दे दिया। एक बच्ची को गोली दे रहा था, इसके पास गोली भी मिली थी, तो इसने वहाँ झागड़ा दी, नई आबादी है, तो छुरी और गोली वोली इसने कहीं फेंक दी वहाँ पर।